हम दिवा सपना देख रहा हूँ, सीएम कौन सा सपना देख रहे हैं? सीएम साहब का भी माइक भी तो दूसरा लोग पकड़ना पड़ता है, और माइक पकड़ने का भी जिम्मेदारी दूसरा बीजेडी को नहीं मिलता, एक ही व्यक्ति को मिलता है। सार्क और उड़ीसा का कोई लोग माइक नहीं पकड़ सकते, एक ही लोग माइक पकड़ सकते हैं। तो यहाँ तो सपना ने हकीकत हो गया है, आपका तो चेंज होने वाला है। आप भी तो सीएम साहब का माइक पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते हो, इतना बुजुर्ग आदमी है, ये जिम्मेदारी आपका भी तो हो सकता है, आप भी तो जिम्मेदारी ले सकता है, लेकिन वो जिम्मेदारी भी तो आपका हाथ में नहीं है। साइंटिस्ट बनाना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना छोड़ दीजिए, खाली माइक पकड़ना है, वो काम भी तो आपका पास नहीं है। नहीं, वो आप छोड़ दीजिए ना, आपको दुख नहीं लगता है, वो काम भी आपका पास नहीं है। मैं तो आपका बात बोल रहा हूँ, मेरा बात नहीं बोल रहा हूँ, खाली इसको ऐसे पकड़ के पकड़ना है, ये काम भी करने में एक उड़िया नहीं मिलते हैं। तो ये तो आपका मन में भी तो दुख होगा ना, हर बार वो देखते हैं और वही चेंज लाएगा। देखिए, हमारा गठबंधन होगा जो होगा, लेकिन माइक उड़िया लोग ही पकड़ेगा, माइक पकड़ने का जिम्मेदारी हम दूसरा को नहीं दे सकता हूँ। आप जो भी करो, जितना भी करो, कोई बड़ा बड़ा पॉलिटिकल बात करो, सब कुछ करो, लेकिन कम से कम माइक पकड़ने का जिम्मेदारी तो आपका होना चाहिए। देखिए, जयराम रमेश का बात कौन सुनते हैं? वो तो पंचायत भी नहीं जीता है आज तक, तो छोड़ दीजिए, उनका बात क्यों पूछते हैं? उसका जन्म उड़ीसा का कौन विलेज में हुआ था? अगर मैं आसाम से आके बोलता हूं कि यहां में क्लीन स्वीप होगा, वो होगा, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा आपको? मैं यहां आके आपको मांग सकता हूं, भाई बीजेपी को मदद कीजिए, लेकिन मैं आपका ओर से बोलना शुरू कर दूंगा, अरे उड़ीसा में काल से वो होगा, ये होगा, आपको अच्छा लगेगा? तो ये सब लोगों का, आप खुद ही आपका कॉन्शियंस को आप पूछिए ना। हाँ, अरे मोदी जी और नवीन पटनायक को छोड़ दीजिए, हम तो दूसरा व्यक्ति का बात कर रहा हूँ। मोदी जी और नवीन पटनायक, तो मोदी जी का कौन दोस्त नहीं है? मोदी जी का सब दोस्त है, मोदी जी का तो देश में कोई दुश्मनी नहीं है, आप भी दोस्त है मोदी जी का, आपको मिला नहीं है, आपको मिलने से आपको भी और दोस्त ही बोलेगा, ट्विटर में लिखा हुआ है परिवार जनों, तो मोदी का परिवार में आप भी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन अलग पूछ रहा था। उड़ीसा पता नहीं आगा, कोई दिन तो आना है, आई थिंक आई हैव। देखिए, मैं आपको लास्ट टाइम भी बोल के गया था, आप लोग मुझको पूछ रहा था अलायंस होगा, तो मैं बोला था कि शपथ ग्रहण में आऊंगा, उसी दिन मैं आपको बोल के गया था इनडायरेक्टली, कोई अलायंस का बात नहीं है, लेकिन आप ही लोग पूछ रहा था अलायंस होगा, लेकिन मैं पार्टी कार्यालय में ही आपको इनडायरेक्टली बोल के गया था। किसलिए? माहौल उड़ीसा में चेंज का है, माहौल उड़ीसा में परिवर्तन का है,